पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी और हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी दोनों लोग आजमगढ़ आए थे और दोनों लोगों ने यही बात कहा कि आजमगढ़ में बहुत क्षमता है और आजमगढ़ को हमको पूरी तरह से एक ऐसा शहर बनाना है कि अभी जो ये देख रहे हैं जितना अभी हुआ है ये तो खाली ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। जब आगे 5 साल के लिए हम लोगों को अवसर मिलने जा रहा है उसके बाद आप देखेंगे कि मेरा आजमगढ़ जो है वो एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां से हजारों कलाकार निकलेंगे, जहां से आपको पूरी दुनिया से लोग यहां पे आकर के और फिल्में बना रहे हैं। अभी एक लंदन से आए किंग कुमार और उन्होंने आधी फिल्म यहां बनाई आजमगढ़ में और उसका जो बाकी का पार्ट था वो लंदन में उन्होंने बनाया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1.5 साल में 22 फिल्में शूट हुई है यहां, मतलब यहां 22 मंडल है और 22 मंडल में शूटिंग हो गई। तो पूज्य महाराज जी ने मुझे ये कहा भी था कि आप जो भी काम करेंगे वहीं रह के करेंगे, तो आने वाले दिन में आप देखेंगे कि जो मेरा आजमगढ़ है कोई एक जगह नहीं, पूरा आजमगढ़ को ही फिल्म सिटी बना दूंगा मैं। और मैंने ये पहले भी कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं यहां से जीत के मुंबई जाने वाला नहीं हूं, मैं आजमगढ़ को ही मुंबई बनाने वाला हूं। सबसे बड़ी बात यह बा कि हमारी भोजपुरी भाषा जो है ना वो इतना मीठी भाषा है कि हम अगर कहीं कर्नाटक में चल जाएं, बंगाल में चल जाएं, गुजरात में चल जाएं, महाराष्ट्र में चल जाएं तो वहां के लोकल लोग भी कहला कि भोजपुरी फिल्म हम भी देखते हैं। तो हम पूछते कि समझ में आता है, बोले हाँ देखते देखते अब सीख गए। और देखिए ये भोजपुरी की मिठास है कि अभी वो गाना इल रहे जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया और ये 1 महीने तक नंबर 1 पे ट्रेंड किया है पूरे दुनिया में। तो आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी भाषा का क्रेज क्या है। और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि हजारों निरहुआ इसी आजमगढ़ से निकलेंगे, ऐसे जितने कलाकार जो बनना चाहते हैं फिल्मों में जाना चाहते हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब यहीं आजमगढ़ में मिलेगा। क्योंकि आजमगढ़ में हम लोगों ने प्लान बना लिया है कि यहाँ डबिंग करनी है तो भी आजमगढ़ में हो जाएगा, आपको प्री प्रोडक्शन करना है वो भी यहाँ कर लेंगे आप, आपको पोस्ट प्रोडक्शन करना है वो भी यहाँ कर लेंगे आप, आपको शूटिंग करनी है वो भी कर लेंगे। मतलब पूरी फिल्म बनाने का जितना माध्यम है वो सब हम यहीं बना रहे हैं। और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि कोई फिल्म बनाने के लिए अगर सोचेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ में सोचेगा। हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से जब हम लोगों ने मांग रखी तो उन्होंने आजमगढ़ में ही संगीत विद्यालय बना दिया है, जहां नृत्य की शिक्षा, जहां गायन की शिक्षा, वादन की शिक्षा, सारी शिक्षा यहीं मिल रही है, आजमगढ़ में मिल रही है। एक समय था जब समाजवादी पार्टी को मौका दिया था लंबे समय तक आजमगढ़ ने, तो उन लोगों ने इसको आतंक का गढ़ बना दिया था, यहां माफियाओं को सह देते थे, गुंडों को सह देते थे। पर जब से हम लोग आए हैं हम लोगों ने यहां विश्वविद्यालय बनवा दिया, यहां अटल आवासीय विद्यालय बनवा दिया, यहां पे रिंग रोड बन रहा है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, बड़ी बड़ी ट्रेनें यहां से शुरू होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आजमगढ़ एक ऐसा हब बनने जा रहा है जहां आसपास के हमारे पूर्वांचल के जितने कलाकार हैं उनको कहीं नहीं भागना पड़ेगा, सबको यही काम मिलेगा, सबको यही रोजगार मिलेगा और सब यही फिल्में करेंगे।